सिर्फ इस तकिए की मदद से कैसे आप हटी हुई नाभि को सेट कर सकते हैं। पेट में अगर कोई भी सेटिंग खराब हो गई है, मान लीजिए आपको लगता है लूज मोशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, एसिड बन गया है, या आपको लगता है कॉन्स्टिपेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, नले जैसी प्रॉब्लम हो गई है, आईवीएस जैसी हो गया है, फटाफट सिर्फ चुटकियों के अंदर खत्म करेंगे। बेड पे लेटे लेटे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखना है इस तकिए की मदद से। और ये तकिया करने वाला है बहुत ही कमाल। पहले इस तकिए को नीचे रख देते हैं, आपको बताते हैं कि नाभि जो हमारी होती है उसको कैसे चेक करना है। कई लोग नाभि को चेक नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले तो अंगूठे को इधर बीच में रखेंगे। अगर देखिए नाभि यहाँ पर धड़कती हुई आपको पता लग रही है कि हल्की सी जैसे दिल की धड़कन होती है वैसे ही होता है, तो आप समझ जाइए कि नाभि आपकी गिरी हुई है। अब होगा क्या कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपके इस तरफ, आप समझ रहे हैं आपके राइट साइड में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो राइट साइड में आपकी नाभि गिर गई है हल्की सी बहुत, और लेफ्ट साइड में है तो फिर आपको हो सकता है पेट में सूजन हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको बहुत सीवियर प्रॉब्लम कोई बढ़ने वाली हो जो पेट से रिलेटेड, जिसको कहते हैं IBS, ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब नीचे की तरफ अगर नाभि आपकी उतर गई है तो यहाँ पर नले, नाभि गिर जाना, कौड़ी हो जाना, इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। और अगर नाभि ऊपर की तरफ चढ़ गई है तो एसिडिटी बनेगी भयंकर, बहुत बुरी तरीके से। तो ये तो तरीका था नाभि को पहचानने का। अब आ जाती है बात नाभि को हम ठीक कैसे करें। कोई है नहीं घर पे, रात भी रात नाभि उतर जाती है, बार बार परेशान होते हैं, फिर बुलाना पड़ता है, कई दफ़ा बुला भी लेते हैं, सामने वाले का मुँह भी बन जाता है, तो ज़रूरत ही नहीं है किसी का मुँह देखने का, अपने हाथ में अपना काम। ये तकिया है, यही सबसे बढ़िया दोस्त है आपका, आपकी नाभि का, करना कुछ नहीं है आपने। आपने ये तकिया लेना है, सर से हटा लेना है, ठीक है जी। और जो पेशेंट हैं या आप खुद हैं, उल्टे होकर के लेटना है तो प्लीज़ आप उल्टे होकर के लेट जाइए। ठीक है जी, ये हो गए हैं उल्टे और ये ले लिया मैंने तकिया। तकिया अब आ जाती है बात, यारे भैया बता तो देते तकिया कौन सा था, हार्ड था, सॉफ्ट था, मोटा था, तो मैं आपको बता देता हूँ, मीडियम तकिया रहेगा। ये देखिए भाई, पेट का मामला है तो हार्ड तो रहना ही नहीं चाहिए, खुद ही सोच लीजिए आप थोड़ा सा, तो हार्ड तकिया नहीं होना चाहिए, हल्का सा, ये देखिए बिल्कुल मुलायम तकिया, जो पेट के लिए भी मुलायम रहे। अब करना ये है, पेशेंट हैं या आप खुद हैं, उठा दीजिए पेट को, तकिए के ऊपर रख लीजिए, बिल्कुल सिंपल से तरीका बता रहा हूँ। और 5 मिनट, मुश्किल से 5 मिनट, घड़ी देख करके आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट के बाद आपको हो गया यार वीडियो देख ली मज़ा आ गया, उस बंदे ने चीज़ बताई है और बिल्कुल अलग बताई है। अब करना ये है जी, यहाँ पर दोनों हाथों को रख लेना है और हल्का हल्का सा ऐसे, ये इस तरीके से, जिसे कहते हैं कि झूला झुलाना, ठीक है जी, तो वो करना है, मतलब थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे। अब हो क्या रहा है, अब मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। ये जितना भी पेट है, जितने भी पेट के अंदर जितने भी सिस्टम हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रिया, या इसके अलावा जो भी हमारे सारे सिस्टम बने होते हैं, क्योंकि सारे पेट के अंदर ही आसपास ही होते हैं, ठीक है जी, किडनी हो गई, ये सारी, अब ये हो क्या रहा है, ये हिल रहा है, नाभि क्या हो रही है वहाँ पर, नाभि फ्लक्चुएट हो रही है, नाभि सेट हो रही है वहाँ पर। अब ये देखिए, तो कई लोग सोचते हैं जी नाभि को जोर जबरदस्ती उठा देंगे, नाभि खींच के हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप आराम से भी नाभि को उठा सकते हैं, अपने घर पर बैठे बैठे अकेले भी उठा सकते हैं। आपका पेट सेट है तो आपका दिमाग भी सेट हो ही जाता है। तो इस तरीके से आप 5 मिनट के लिए, देखिए ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा करने से ऐसा नहीं है कि बहुत फ़ायदा हो जाएगा या बहुत नुकसान हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, बस जब 5 मिनट का रखा है तो 5 मिनट कर लेते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं। तो इस तरीके से आप देखिए ये नाभि को खुद ब खुद भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये ऐसे हिलाएंगे, अब इसके बाद एक चीज़ और रह गई है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें करना क्या होता है कि जब आप 5 मिनट कर लें, 5 मिनट करने के बाद 1 मिनट आप रेस्ट कर लेंगे, मिनिमम 30 सेकेंड है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट है। उसके बाद आप पैर को उठाएंगे ऐसे और पैर को चलाएंगे, ठीक है, दोनों पैरों को ऐसे, एक के बाद एक। योगा में एक आसन होता है जिसको बोलते हैं हनुमान आसन, कुछ इस तरीके का है, ठीक है, ये पैर को चलाइए आप, ठीक है। इसके बाद पैर को चला लेंगे, और ये पैर कितनी देर चलाने, मुश्किल से 2 से 3 मिनट, बहुत जल्दी जल्दी नहीं चलाने हैं, बहुत आराम से चलाने, घुटने में तकलीफ है चलाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पैरों में सूजन आ गई है, सुनपना, कोई और प्रॉब्लम हो रही है, हमारी बहुत सारी वीडियो वो देख लेना, उसके अंदर से पहले उसको खत्म कर लेना, फिर आप नाभि को सेट कर लेना, घर बैठे 5 मिनट के अंदर नाभि को आप इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। चलिए आज के लिए, मैं हूँ नीरज, नई दिल्ली के अंदर न्यूज़ 30, नमस्कार।